सो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली जो हमारा MI की तरफ से 4X 50 इंच LED टीवी हमारे पास पहुंच चुका है, जो कि हम नीचे बॉक्स देख पा रहे हैं। हमारे पास ये डिलीवर्ड हो चुका है कॉल, और साथ ही साथ जो है हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए MI की तरफ से प्रोवाइड की गई जो भी एग्जीक्यूटिव है वो भी हमारे पास आ चुके हैं। तो कल जो हमारे पास ये टीवी डिलीवर्ड हुआ तो हमने इसे अनबॉक्स नहीं किया। रीजन क्या था कि MI कहती ये है कि जो टीवी आपके पास डिलीवर्ड होता है, अगर आप उस टीवी को आप अपने से खोल लेते हैं तो उसकी जो वारंटी है वो लैप्स कर जाती है। कैसा कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अगर खोल देते हैं इस टीवी को तो वारंटी लैप्स हो जाएगी। वारंटी लैप्स हो जाती है, किसी वजह से ऐसा वगैरह निकल जाता है, कुछ भी दिक्कत आती है, वो आपको दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब साफ शब्दों में ये है, अगर आप ऑनलाइन टीवी परचेज करते हैं तो आप अपने टीवी को अनबॉक्स ना करें। आप MI की जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव, उनका वेट करें और उन्हीं के आने पे टीवी को अनबॉक्स करें। इससे क्या होगी, आपकी वारंटी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बैक सरफेस आया, हो सकता है अंदर कोई पार्ट डैमेज हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप उसके लिए वेट करें एग्जीक्यूटिव का। तो चलिए फटाफट से हम आज की इस वीडियो में इस MI 4X एंड्रॉयड टीवी 50 इंच की अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं और MI के एग्जीक्यूटिव हेल्प करेंगे एक दूसरे का, और अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है और किस तरीके से माउंट वगैरह होता है। तो सबसे पहले हम अपने आप को सैनिटाइज कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब भी बाहर से आए हुए हैं और मैं भी यहाँ पे हूँ। तो मास्क हम दोनों पहन रखा है, मास्क अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने रुमाल लगा लिया, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सैनिटाइजर यूज करके फिर हम लोग काम को आगे करेंगे। अब इस बॉक्स को खोलने के लिए दो लोगों की जरूरत है, क्योंकि बॉक्स की साइज जो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस तरीके से हाथ कर दूं आप देख सकते हैं बॉक्स की साइज कितनी बड़ी है ना। तो इसके लिए हमें दो लोगों की जरूरत होगी। चलिए फटाफट से अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं एक मिनट सर, और थोड़ा सा पास अगर एक बार दिखा दीजिए सील के लिए। चलिए एक बार सील को हम ब्रेक कर लेते हैं। चलिए सर ब्रेक कीजिए, और देखिए यहाँ पे पिन होता है क्या ये? वो कर दीजिए। ये दे सकते हैं, जो बॉक्स होता है MI की टीवी की उसके ऊपर ये क्लिप दी जाती है ताकि सील ब्रेक ना हो और पता मतलब आसानी से चल जाए। स्टैंड मिल जाता है जो कि टीवी के ऊपर टीवी का बेस हो जाएगा, टीवी स्टैंड हो गया, ये दो पीस आपको मिलता है। और साथ ही साथ आपको एक रिमोट मिलता है, रिमोट पे जो आपको प्रॉपर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का एक स्टार्टअप बटन मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्टली क्लिक करके नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम की वीडियो को आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके साथ में कोई और हाँ इसके साथ में जो कोई भी वॉल माउंट नहीं आता है। अगर आपको वॉल माउंट अगर लगवाना है, सपोज दैट आपको अगर वॉल पे अगर फिट करवाना है, तो इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा MI के एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि MI किसी भी तरह की वॉल माउंट इसके साथ में अटैच करके नहीं भेजती है। अलग से जब भी कोई एग्जीक्यूटिव आपके पास आएंगे तो वो एक चार्जेबल अमाउंट होगा, ठीक है। रिमोट कैसे पेयर करेंगे, ये दो बटन वो बता रहा है। देखिए रिमोट पेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ बटन्स के इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, दो बटन को होल्ड करना है इस तरीके से, ओके। 20 सेंटीमीटर का इसका गैप होना चाहिए, बस ये हो गया। अगर येलो लाइट आई और एक बीप आएगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट मींस कि रिमोट जो पेयर हो चुका है। सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और जो कि MI के एग्जीक्यूटिव आए हुए थे
और इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट और बहुत चीज़ें मुझे समझा भी दिया, जो कि हर चीज़ एक यूट्यूब वीडियो पे डालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इन भाई साहब का मैं काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगा कि रीज़न क्या है कि एक्चुअली मुझे वीडियो बनाना था और मेरे उस टाइम पे मुझे कुछ काम था जिनके कारण से कम भाई साहब को 20 से 25 मिनट इन्होंने इंतजार किया, जो कि मुझे लगा काफ़ी अच्छा इन्होंने कॉर्पोरेट किया। सो थैंक यू सो मच आपको इस कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि एक्चुअली जो भी फील्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, लेकिन आपने मेरे लिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट किया, सो इनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ अगर कुछ होता है टीवी में छेड़छाड़ के, देखते हैं फिर आगे कुछ होता है तो मैं आपको इसमें कंटेंट आगे ऐड करके देता हूँ। और चलिए आई होप कि आपको भी ये चीज़ अच्छा लगा हो। ओके थैंक यू सो मच सर।